एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिनते शमी। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज दिसंबर की 10 तारीख हो गई है और कराची में दोबारा ठंडी हवाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सर्दी को सभी एंजॉय करते हैं, लेकिन कराची में जैसी सर्दी आती है लोग फूले नहीं समाते हैं, क्योंकि कराची में सर्दी जो है थोड़ी इमदाद में आती है। यूं तो सारे मौसम के अपने अपने मजे हैं, जैसे गर्मी में हम नई डिजाइन के लॉन, ठंडे ठार मुशाबात, आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। वहीं बरसात के मौसम में हम बारिश और आम एंजॉय करते हैं, क्योंकि मौसम में हम फ्राई फिश, सूप और ड्राई फ्रूट्स एंजॉय करते हैं। फ्राई फिश और सूप की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स खाने का एक अलग ही मजा है। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो रात में ब्लैंकेट में घुसकर हमें ड्राई फ्रूट्स खाने होते थे, या जैसे ही सर्दी आती थी तो गली में गरम गरम फली वाले आते थे और बच्चों के रश लग जाते थे फली लेने के लिए। बस उन्हीं यादों को याद ताज़ा करने के लिए मैं कल गई थी इम्प्रेस मार्केट, वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। वहाँ एक एम अयूब अब्बास से ड्राई फ्रूट स्टोर के नाम से शॉप थी, वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, आप देख सकते हैं, और मुझे बहुत पसंद आए थे वहाँ के ड्राई फ्रूट्स, तो मैंने वहाँ से ये शॉपिंग की थी। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, ड्राई फ्रूट्स तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए, चिलगोजे तो आसमानों से बातें कर रहे हैं। मैं वहाँ शॉप पे खड़ी थी, ऐसा लग रहा है कि चिलगोजे मुझे देख करके मुंह बना रहे हैं, मुझे चढ़ा रहे हैं कि आओ मुझे लो। अच्छा, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये बादाम मैंने वहाँ से लिया था, ये मैंने आधा किलो लिया है, 700 रुपये का मुझे ये पड़ा है। आप अगर 700 रुपये का ये मुझे पड़ा है, आप अगर किलो लेंगे तो वो फिर आपको 14 या 1500 रुपये का किलो मिलेगा। उसके बाद पिस्ता, ये भी मैंने आधा किलो लिया है, 900 रुपये का। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये नमक वाले पिस्ते हैं, क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मैंने काजू लिया था, रोस्टेड काजू, और ये सादा सिंपल काजू है। इन दोनों की प्राइस जो है सेम है, मैंने आधा आधा किलो लिया था तो ये दोनों मुझे 1200 रुपये में पड़े, मतलब 600 ईच। इसके साथ ही मैंने ये खजूर लिया था, खजूर का जो ये बॉक्स है मुझे 180 रुपये का ये खजूर का बॉक्स मिला। उसके बाद इंजीर, इंजीर तो खाना ही चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इसके फायदे हैं। मैंने इंजीर लिया है, इंजीर की जो प्राइस है वो है 700 रुपये का, मैंने ये आधा किलो लिया है इंजीर। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ है, इसमें कोई डर्ट वगैरह नहीं है, साफ सुथरा, खुश रंग इंजीर है, यहाँ पर 700 रुपये का। उसके बाद ये मखाना, इसे मैंने लिया है 300 रुपये का, ये 300 रुपये का मैंने लिया है। ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, इसे आप फ्राई करें तो और ज़्यादा मज़ेदार लगता है, या पंजीरी वगैरह बनती है तो मोस्टली लोग पंजीरी में डालते हैं। मैंने इसे लिया है क्योंकि मुझे पंजीरी बनानी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं पंजीरी की भी रेसिपी आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। उसके बाद अखरोट, ये मैंने 800 रुपये का आधा किलो लिया है, आप देख सकते हैं इसकी कितना खुश रंग और बिल्कुल साफ है, इसकी क्वालिटी आप देखें। और लास्ट में हली गरम, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय, बच्चों के जो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, बैठ करके ब्लैंकेट में फली खाना, ड्राई फ्रूट्स खाना। ये फली जो है मैंने लिया है, 1 किलो है, 480 रुपये का, ये भुनी हुई फली है, सिंपल फली नहीं है, ये भुनी हुई फली मैंने 1 किलो 480 रुपये का ली है। ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं इम्प्रेस मार्केट से, आप भी जाएं वहाँ से लें और अपनी सर्दियों को इंजॉय करें। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी और वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।